स्वर्गीय परमानंद शाह और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय ओम लता देवी शाह की स्मृति में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, विधायक विपिन सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, राहुल श्रीवास्तव, शाह परिवार के मुखिया नवल शाह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य अतिथियों ने स्वर्गीय ओम लता और परमानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है और उन्हें समय से आवश्यकता अनुरूप संसाधन मुहैया कराना सबका दायित्व है। सीएम ने कहा कि जिसके पास संसाधन सुविधा है वे लोग धर्मांत कार्य में हिस्सा लें ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे और सभी को अन्य वस्त्र मिले। सीएम योगी ने कहा कि हमारे यहाँ पर्व एवं त्योहारों को दान और पुण्य के साथ जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान हेतु अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है और हर विकास खंड एवं जिले स्तर पर बड़े पैमाने पर दीन दुखियों, जरूरतमंदों को सुविधा मुहैया कराने हेतु शिविर आयोजित कर उन्हें लाभान्वित कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार सभी पात्रों को पेंशन योजना से लाभान्वित कर रही है। गरीबों का उत्थान और उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि सभी लोग पुण्य कार्य से जुड़े तथा ठंडक में निराश्रितों को ऊनी वस्त्र वितरित करें। लोक कल्याण एवं समाज कल्याण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जगह लेनी है वे दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के हाथ के तारे, हे सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे, हे सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुरी बानी। फिर हाथ उठाकर ताली मेरे साथ बजाएंगे, 1 2 3। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के सीएम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनके आने की प्रक्रिया की प्रगति कार्यक्रम को लेकर के लगातार जो तैयारियां हुई है यहाँ पे पहुंच चुकी है। हेलो हेलो, बोले योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। हेलो 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 हेलो, हमारे बीच में परम पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। शाह परिवार की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी महाराज जी का भी आगमन हो चुका है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्वर्गीय ओम लता देवी शाह जी के आज 12वीं अंगवस्त्र प्रदान करें, पुष्पगुच्छ प्रदान करें और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। स्नेह शाह परिवार को मिला है। हमारे बीच में काजी उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा शंभु शरण साह जी से कि आपको विपिन सिंह जी का स्वागत करें। यही मैसेज भी देंगे राष्ट्रीय पर इतना हमारे माँ श्रीमती ओमलता देवी साह एवं पिताजी स्वर्गीय परमानंद साह जी के चरणों में सत सत नमन।
आज के अवसर पर अपने बीच परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर हमारे सूबे के भावक के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पाकर मैं बहुत धन्य हूँ, अभिभूत हूँ। यूं तो आपका आशीर्वाद और स्नेह और कृपा सब परिवार पर सदैव से है, पर आज मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है कि योगी जी आप हम लोगों को दिल से प्यार करते हैं। उत्तर प्रदेश महज एक प्रांत नहीं बल्कि देश का एक ऐसा भूभाग है जो देश की दिशा और दशा दोनों तय करता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रांत के खेवरहार होने की अहम जिम्मेदारी होने के बावजूद आपने मेरे ममतापूर्ण सेवा भरे कटिया का जिक्र करना है। आज के 2 साल पहले ठीक ऐसा ही कार्यक्रम मंगला माता मंदिर प्रांगण में आहूत था। माननीय योगी जी बतौर सांसद मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन थे। स्वागत उद्बोधन में मैंने जब यह उद्धृत किया कि पूर्वांचल के लोकप्रिय सांसद को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो मौजूद लोगों ने तालियां तो बजाई लेकिन सहसा विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि माननीय महाराज जी भी मुस्कुराए, लेकिन माँ के कृपा से आज सपना साकार होते देखकर हम लोग कितना प्रफुल्लित और हर्षित हैं, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। आदरणीय पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में प्रदेश शांति और अमन का माहौल है। सांस्कृतिक गतिविधियों की सुगंध से प्रदेश महक रहा है। चौतरफा विकास खासकर गोरखपुर को चमकने लगा है। अब हम लोगों की यही इच्छा है, हम गोरखपुर वासियों और सभी प्रदेशवासियों की इच्छा और अभिलाषा है कि महाराज जी के हाथ में देश की बागडोर हो, जिससे समूचे विश्व में एक ऐसा संदेश जाए कि वह देश और वहाँ के नागरिक वास्तव में धन्य है जिन्होंने देश की सत्ता को सुशासन के लिए एक संत को सुपुर्द कर दिया। धन्यवाद। इसमें हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जितने शब्द दिए जाए कम पड़ेंगे। आदरणीय श्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच उपस्थित हैं, इनके बारे में आप किसी को कुछ को बताने की मुझे जरूरत नहीं समझ में आती। आपका जस वैसे ही फैल रहा है, सब लोग आपके सत्कर्मों से और पुण्यों से परिचित हैं। हमारे बीच आए मैं हम लोग धन्य हैं। नवल शाह जी के लिए मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहता हूं, और जैसा कि आप लोगों के हाथ में जो पेपर दिया गया है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनकी माता जी जब आई तब से वह घर बढ़ने लगा। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर शुभ और अशुभ ऊर्जा हुआ करता है। निश्चित रूप से इनके कई जन्मों के पुण्य रहे होंगे कि इनकी माता जी जब घर में आई तो ये सब चीज होने लगा। लेकिन उसमें जो खास बात है, 2 बात हमें समझ में आई। एक तो सूर्य भगवान का दर्शन किए बगैर वो जल नहीं ग्रहण करती थी, और बड़ी बात यह है कि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते थे, अगर बदली हो गया तो वो दिन भर जल नहीं लेती थी। ऐसे मातृशक्ति को मैं हृदय से नमन करता हूँ। और अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ प्रशीष हमें सदैव प्राप्त होता है परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की आताएं, और हम सभी को अपना आशीष प्रदान करें योगी आदित्यनाथ जी महाराज। श्रीमती ओम लता शाह श्री परमानंद साह जी की पुण्य स्मृति में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्रदास जी महाराज, डॉक्टर टीपी साही जी, साह परिवार से जुड़े हुए श्री परमानंद कार्यक्रम के आयोजक श्री नवल साह जी, श्री शंभू साह जी, संजय शाह जी, कृष्ण कुमार शाह जी, दामोदर शाह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विभाड़ चंद कौशिक जी, श्री राहुल श्रीवास्तव जी, जनार्दन तिवारी जी, और भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, विगत 12 वर्षों से साह परिवार अपने पूज्य माता श्रीमती ओमलता साह जी की स्मृति में इस भीषण सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित करता है।
एक व्यवस्थित रूप से बड़ी संख्या में इस समय अगर वस्त्र सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए तो वास्तव में एक पुण्य का कार्य है। हमने धर्म का आधार दया को भी माना है तो दान को भी माना है, यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को जो जरूरतमंद हो उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने में समाज के वे सक्षम लोग अगर आगे आ जाएं तो समाज की व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित होती है और यही व्यवस्था सभ्य समाज की सबसे बड़ी निशानी है। विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, धर्मार्थ संगठन और समाज से जुड़े हुए वे लोग इस अवसर पर दान और पुण्य के माध्यम से इस कार्यक्रम को अतीत के हजारों वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यह वर्ष कुंभ का वर्ष भी है। 15 जनवरी से कुंभ का पहला स्नान प्रारंभ होगा और महाशिवरात्रि 4 मार्च तक यह आयोजन चलेगा। ये जो आयोजन कुंभ का है हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन कुंभ के इस आयोजन को एक मान्यता दुनिया ने किस रूप में दी जब कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के द्वारा वहां दान अपने पूरे वर्ष भर की जो कमाई होती थी वह जब दीन दुखियों में जरूरतमंदों में वितरित करके उस पुण्य को अर्जन करने के लिए कुंभ को उन्होंने उस स्थान के रूप में चुना। आज भी हम सैकड़ों वर्षों के बाद उस यशस्वी राजा हर्षवर्धन को पुण्य स्मरण करते हैं जब कुंभ का आयोजन होता है और आज ये परंपरा उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ रही है। यानी हमारे यहां पर्व और त्योहारों को हमने दान के साथ और उसके प्राप्त होने वाली पुण्य के साथ जोड़ा है और पुण्य की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तो सहपरिवार प्रतिवर्ष यहां पर श्रीमती ओमलता शाह जी की स्मृति में जिनकी ये 12वीं पुण्यतिथि है और साथ ही साथ इस वर्ष पहली पुण्यतिथि है श्री परमानंद शाह जी के, अभी कुछ माह पूर्व वे दिवंगत हुए थे, उनकी पुण्य स्मृति में भी यह कार्यक्रम आज यहां पर ये हजारों की संख्या में आए हुए लोगों को ऊनी वस्त्र वितरित करके शीतलहरी में उन्हें राहत देने का कार्य यह परिवार कर रहा है। हर उस व्यक्ति के पास जिसके पास संसाधन है, जिसके पास सुविधा है, उसको चाहिए कि वह अपने आय का एक हिस्सा इस प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के साथ बढ़ाएं। हर व्यक्ति करें। मुझे लगता है जब सारे लोग समाज की इस व्यवस्था को संचालित करने में अपना योगदान दे देंगे कहीं अभाव नहीं दिखेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बीमारी से असमय काल कल्पित नहीं होगा। और यही तो जहां पर किसी को किसी प्रकार की कोई दुख ना हो, कहीं कोई दरिद्रता ना हो, कहीं कोई अराजकता ना हो, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, उस पवित्र व्यवस्था को ही हमारे पूर्वजों ने रामराज्य की बात कही। वही तो रामराज्य की अवधारणा है और रामराज्य की अवधारणा को साकार करने में हम सबकी अपनी भूमिका हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं, ऊनी वस्त्र वितरित होंगे और मैं चाहूंगा कि भगदड़ न मचे, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से एक तरफ से उन्हें ऊनी वस्त्र दें, दूसरी तरफ से वे भोजन लेते हुए अपने गंतव्य की ओर फिर प्रस्थान भी करें। कहीं भी अव्यवस्था न फैले ये चीज हम लोगों को सुनिश्चित करनी होगी और जब शांतिपूर्ण ढंग से सारी सुविधा का लाभ
समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लेने वाले को भी और देने वाले को भी संतुष्टि होती है। हमने प्रदेश सरकार के स्तर पर भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए हैं, हर विकास खंड स्तर पर, हर नगर निकाय स्तर पर, बड़े पैमाने पर उन जरूरतमंदों को, गरीबों को, दीन दुखियों को, उन सब तक इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। हमारी सरकार ने जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, ऐसे जितने भी वृद्धजन हैं, जो निराश्रित हैं, ऐसे सभी को हम लोगों ने निर्णय लिया कि उन सबको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। निराश्रित महिलाएं, जिन्हें विधवाएं, जिनको आज तक पेंशन नहीं मिलता था, उन सबको भी फार्म भरा करके, अभियान चला करके उन्हें पेंशन देने की सुविधा से आच्छादित किया जा रहा है। दिव्यांगजन जो बालिग हो जाते थे लेकिन उस सब के बावजूद भी उन्हें पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था, हम लोगों ने उन्हें भी पेंशन देने की सुविधा उन सबको भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। और इससे जुड़ा हुआ कल एक बड़ा कैंप गोरखपुर में हम लोग लगाएंगे भी, जिसमें दिव्यांगों को मोटराइज ट्राइसाइकिल भी उपलब्ध होनी है, ऊनी वस्त्र भी होंगे, साथ साथ उनकी पेंशन के सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़ी संख्या में हजारों लोग एक साथ उस सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे। आज के इस अवसर पर जब ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, मैं एक बार पुनः सभी धर्मार्थ संगठनों को, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का और आप सभी का आह्वान करूंगा कि जो भी जिसके पास क्षमता है वे सभी लोग इस प्रकार की पुण्य के कार्य के साथ जुड़े। इस विश्वास के साथ मैं श्रीमती ओमलता शाह जी को उनकी 12वीं पुण्य तिथि के अवसर पर और साथ ही साथ श्री परमानंद शाह जी, जिनकी प्रेरणा से सपरिवार कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित करता रहा है, यह पहला उनका पुण्य स्मृति का दिवस होगा। यद्यपि उनकी पुण्यतिथि बाद में आएगी, लेकिन एक साथ सामूहिक रूप से कार्यक्रम यहाँ पर उन दोनों महापुरुषों के नाम पर यहाँ पर आज आयोजित हो रहा है। इन दोनों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जो उन्होंने एक अभियान और जो प्रेरणा अपने परिवार के सदस्यों को प्रदान की है, यह उन्हें निश्चित ही यशस्वी और एक मोक्ष प्रदान करने में सहायक होगा। मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सपरिवार के द्वारा जो सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा रही है, आप सब इसका लाभ लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से सुविधा भी लेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से यहां से अपने गंतव्य को, अपने घर को वापस जाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आप आशीष हमें प्राप्त हो। हमारे बीच में कई जरूरतमंद यहाँ उपस्थित है। परम पूजनीय महाराज जी के द्वारा ऐसे 5 जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर आप सभी जोरदार तालियों से इस पुनीत कार्य का 5 जरूरतमंदों को महाराज श्री के हाथों कंबल वितरण किया जा रहा है। साथ ही रामानंद शाह जी, विनोद शाह जी, श्याम शाह जी, पवन शाह जी, नवल शाह जी, समूचा शाह परिवार, शेष जैसा महाराज जी ने निर्देश दिया कि शेष सीधे इधर चलिए, आप लोग इधर आइए। ठीक है,
एक बार अंदर जाने आप लोग खड़े हो फोटो टीम में आ जाएगी बाकी कंबल वितरण का यही उद्देश्य है कि जो भी जरूरतमंद है, जो भी गरीब है, जिसको इसकी ज़रूरत हो सबको मिल जाए। और मेरी तो ये इच्छा है कि जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं कोई भी खाली नहीं जाएगा, सब लेके जाएगा। और इसमें हमारा कुछ नहीं है, सब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। यह अपनी माता जी श्रीमती ओमलता देवी शाह के स्मृति में, उनकी 12वीं पुण्यतिथि है आज। कम से कम 5,000।